नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बदायूं में डबल मर्डर के आरोपी जावेद ने सरेंडर कर दिया है। बरेली के बारादरी थाने के सैटेलाइट चौकी में सरेंडर करने जावेद पहुंचा। आरोपी जावेद ने कहा कि हत्या की जानकारी मिलते ही वो डरकर दिल्ली भाग गया था। जो किया वो साजिद ने किया, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया। बदायूं पुलिस को जावेद की तलाश थी। घटना के बाद से वो फरार चल रहा था। पुलिस ने जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। तो बदायूं में डबल मर्डर से जुड़ा मामला, दूसरे आरोपी जावेद ने सरेंडर कर दिया। जावेद ने बरेली में सरेंडर किया है और अपनी सफाई में कहा है कि मैं निर्दोष हूं, जो भी किया साजिद ने किया, और हत्या के बाद वो डर गया था इसीलिए दिल्ली भाग गया था। और अब जावेद ने बरेली में सरेंडर कर दिया। पुलिस को जावेद की तलाश थी। दूसरे आरोपी जावेद ने सरेंडर किया है और बरेली उसने सरेंडर किया है। बदायूं में दो बच्चों की निर्मम हत्या करने के बाद आरोपी साजिद जो भागा था, पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। बताया जा रहा है कि जावेद भी उसके साथ था, बाइक पर उसको बैठाकर लाया था और वो तभी से फरार था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। जावेद ने सरेंडर किया है और अपनी सफाई में कहा है कि हत्या साजिद ने की, जो किया उसने किया, मुझे इसकी सूचना बाद में मिली और इसीलिए मैं डरकर भाग गया। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली, सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, मैं गांव में गई हूं। मैं एक बात बताऊँ, सुनो मेरी, फोन अभी ऑफलाइन कर रखा। बात सुनो तुम, अभी जैसे कहने मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली, सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, मैं गांव में गई हूँ। मैं एक बात बताऊँ, सुनो मेरी, फोन अभी ऑफलाइन कर रखा। बात सुनो तुम, अभी जैसे कहने पुलिस देखिए, इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सेटेलाइट चौकी, वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसने वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पुष्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहां उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। तो पहली बार कैमरे पर बोला है आरोपी जावेद। अपनी सफाई में उसने कहा कि मुझे हत्या की जानकारी नहीं थी, जैसे ही पता चली मैं डरकर दिल्ली भागा। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी चितरंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चितरंजन, जावेद जिसकी तलाश पुलिस को थी उसने खुद ही बरेली जाकर सरेंडर कर दिया और उसका यह कहना है कि उसको हत्या की जानकारी नहीं थी, बाद में जानकारी हुई और उसके बाद वो डर करके भाग गया। पुलिस अभी तक जावेद की क्या भूमिका देख पाई है इस पूरे नृशंस हत्याकांड में? देखिए, जो दो दिन पहले दो बच्चों की जो हत्या हुई थी उसमें जो आरोपी साजिद था उसको पुलिस ने पकड़ लिया था और उसके बाद उसने मुठभेड़ के दौरान उसका एनकाउंटर हुआ था। और जैसे ही इस पूरे मामले में जैसे एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है, उसी वीडियो में जावेद ये कह रहा है कि मुझे जैसे ही जानकारी मिली कि मेरे भाई ने दो बच्चों की मौत के घाट उतार दिया है, उसके बाद मैं दिल्ली भाग गया था और मुझे भी एनकाउंटर का डर था, मुझे भी पुलिस का डर था, क्योंकि कानून का राज है, इसी को लेकर वो सैटेलाइट पहुंचा बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में और उसने एक वीडियो उसका वायरल होने लगा, तब जाके बदायूं पुलिस जागी और उसके बाद उस आरोपी को बारादरी से गिरफ्तारी हुई है और अभी बरेली की सिविल लाइन में उसको रखा गया है। वहाँ बरेली की पुलिस पूछताछ कर रही है, बदायूं की टीम वहाँ पहुंची हुई है और वहाँ से लाकर सीजीएम कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा और 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी और रिमांड के बाद पुलिस
उसके कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास करेगी कि इस पूरे घटना में क्या आरोप था उसका। वहीं आपको बता दें, मां ने सीधे सीधे आरोप लगाया है इस पूरी हत्याकांड में किसी ने साजिश रची है और उनके बच्चों की हत्या कराई है, और उसमें हो सकता है कि किसी ने पैसा देके उनके बच्चों की हत्या कराई है। ये मां ने जावेद की गिरफ्तारी होने के बाद अभी अभी बयान दिया है, और उनका कहना है परिजनों का कि उसका भी उसी तरीके से पूछताछ हो और पता चले, पर्दाफाश हो कि किस तरीके से उसने इस घटना को अंजाम दिया, और आरोपी जावेद का भी अगर वो इसमें दोषी है तो उसका भी एनकाउंटर होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ा आरोप बच्चों की माँ ने लगाया है, और वो ये आशंका जता रही है कि हो सकता है किसी ने बच्चों की हत्या जावेद और साजिद के माध्यम से करवाई हो, मतलब ये मामला सुपारी किलिंग जैसा भी हो सकता है, ये माँ का आरोप है। और दूसरी तरफ पुलिस अभी तक जानकारी दे रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि लगातार जावेद और साजिद के घर वाले कह रहे हैं कि जावेद को कोई जानकारी नहीं थी, वो तो घर पर था, शाम 7 बजे तक वो घर पर था और उसके बाद वो वहां से भागा है। देखिए, इस मामले में एसएसपी का बयान सामने आया है, और एसएसपी का कहना है कि जैसे ही ये वीडियो वायरल होने लगा तब बदायूं पुलिस को इस बात की जानकारी हुई कि ये जो बदायूं में जो दो हत्याकांड हुए थे उसमें जावेद का नाम है, और ये वही जावेद है जो बदायूं में नामजदगी हुई है। तो पुलिस ने इस बात की तहकीकात तक पहुंची और उसके बाद ये पता चला कि ये वही जावेद है। अब बदायूं पुलिस बरेली के लिए रवाना हो गई है, और आधा पौन घंटे में पहुंचने के बाद अब आरोपी की गिरफ्तारी होगी और उसके बाद पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, तो यहां से रवाना हो चुकी है पुलिस बदायूं से बरेली के लिए, और जावेद को वहीं से लाया जाएगा। लेकिन जावेद क्या पर आकर अपनी सफाई देता हुआ नजर आ रहा है, पहचान पत्र भी दिखा रहा है, और वो ये दावा कर रहा है कि कुछ फोन रिकॉर्डिंग्स भी उसके पास में हैं जिनके माध्यम से प्रूव हो सकता है कि उसको हत्या की जानकारी नहीं थी। अपनी सफाई में क्या बातें कही हैं जावेद ने? जावेद ने साफ साफ इस बात को कहा है कि मैं डर के मारे बदायूं छोड़कर बरेली दिल्ली भाग गया था, और मुझे फोन से सूचना मिली कि मेरे भाई साजिद ने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, और उसको इस बात का एनकाउंटर का डर लगने लगा। उसी के बाद आरोपी जो जावेद है वो वहां से दिल्ली से भागकर बरेली पहुंचा, और बरेली में जब उसको पकड़ा गया तब इस बात की जानकारी मिली कि वही जावेद है। तब बाराधारी पुलिस ने उसको सैटेलाइट से पकड़ा और थाने ले गई और बदायूं पुलिस को सूचना दी। अब बदायूं पुलिस को सूचना प्राप्त हो गई है। देर रात का ये पूरा वीडियो है, ये लगातार जब वायरल होने लगा तब बदायूं पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है। वहीं बदायूं पुलिस टीमें थी वो लगातार जावेद की तलाश कर रही थी, और जावेद नहीं मिल रहा था। वहीं जब ये वीडियो वायरल हुआ है तब जावेद की गिरफ्तारी हो पाई है। अब सीजीएम कोर्ट में आरोपी जावेद की पूछताछ की जाएगी, वहां कोर्ट में ले जाया जाएगा और कोर्ट में उससे रिमांड मांगी जाएगी कि कम से कम 14 दिन की पुलिस उसको रिमांड दे। आप नजर बनाए रखिए, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो पुलिस जावेद की कस्टडी रिमांड चाहेगी क्योंकि उसके बाद उससे पूछताछ होगी और कई अहम खुलासे हो सकते हैं। बदायूं में दो मासूमों की बेरहमी से हत्या के मामले में दोनों मासूमों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी साजिद ने आयुष और अहान पर 23 वार किए थे। गला काटने के बाद सीने, पीठ और हाथ पैर पर ताबड़तोड़ वार किए। आयुष के शरीर पर 14 जगह और अहान के शरीर पर 9 जगह घाव मिले हैं। आरोपी साजिद की भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मुठभेड़ में आरोपी साजिद के शरीर पर 3 गोलियां लगी। तो एनकाउंटर में साजिद को 3 गोलियां लगी हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों मासूम बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, और उसमें जो खुलासा हुआ है वो तथ्य सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। अहान के शरीर पर 9 जगह निशान है, आयुष और अहान पर कुल 23 वार साजिद ने किए। ये सब कुछ गला रेतने के बाद उसने किया। गला काटने के बाद हाथ, पैर, पीठ, सीने सभी जगह उसने ताबड़तोड़ दोनों बच्चों के शरीर पर वार किए थे। आयुष के शरीर पर 14 जगह घाव मिले हैं।